सिप नाटवा दे बराबर ले बाप बराबर दे जेनी छोरी डर 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 दे इलेक्ट्रा दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में शनिवार सुबह सुबह गौ तस्करों ने जमकर आतंक मचाया। जब गौ रक्षकों ने गौ तस्करों का पीछा किया तो गौ तस्करों ने बिना टायर की गाड़ी को ही 22 किलोमीटर तक दौड़ा दिया और चलती हुई गाड़ी से गौ रक्षकों पर जिंदा गाय फेंकने लगे। ये वीडियो आपको अंदर तक दहला सकता है क्योंकि तेज रफ्तार गाड़ी से बेजुबान गायों को फेंका जा रहा है खुद की जान बचाने के लिए। ये वीडियो किसी फिल्म के क्राइम सीक्वेंस की तरह है जिसमें अपराधी फायरिंग कर रहा है और हीरो अपनी जान की परवाह किए बिना गायों को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब अपराध किया है तो फिर उसका अंजाम अच्छा कैसे हो सकता है। आखिरकार 22 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद 5 गौ तस्कर धरे गए। गौ तस्करों की गाड़ी से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। हालांकि 2 गौ तस्कर भागने में कामयाब रहे। गाड़ी दिल्ली की तरफ से आ रही थी, हम गुड़गांव में खड़े हुए थे सारे मोनू भाई और सारी टीम जो आपको दिखाई दे रही है। हमने इसको रोकने का इशारा किया, हमें इस पर डाउट हुआ कि भाई किस तरीके से जा रही है, इसमें पल्लड़ वल्लड़ लटक रहा था, काफ़ी ज़्यादा भरी हुई थी आदमी वादमी थे इसमें, तो हमने रोकने का इशारा किया, ये नहीं रुकी और एकदम छुटते ही ऊपर वाले लड़के ने और 2 साइड से इसमें लगातार फायर होने स्टार्ट हो गया हमारे पास। हमने देखा फिर भी नहीं रुकी तो हम इसके पीछे लग गए। चलते चलते अपने आप ही इसका किसी नुकीले उससे पत्थर से पता नहीं गटर के सीवर से कहाँ से टायर से वो टकराया अगला टायर, वो उसका टायर फट गया और इसके पीछे लगे लगे करीब करीब 10-15 किलोमीटर पीछे लगे। यहाँ पे देखा हमने तो ये गाड़ी एक गाड़ी से टकराई और लड़के इधर उधर भागे, कोई नीचे कूद गया, कोई कैसे किसी के कैसे चोट आई नहीं आई हमें नहीं पता। पुलिस मौके पर आ गई थी, पुलिस अपना ले गई। कितनी गायें इन्होंने फेंकी चलते? इन्होंने 5 गायें, 4 से 5, 5 या 6 गायें, 7 गायें, 7 गायें हैं। तो इस ट्रक में जितनी भरी थी सब फेंक दी गायें? हाँ जी, सारी फेंक दी, खाली कर दिया इन्होंने, हमारे आगे फेंक दी। हम एम्बियंस मॉल के पास से पीछे लगे थे जी, अपनी फरीदाबाद टीम थी, शैलेंद्र वाली टीम थी और अपनी सारी टीम थी, अशोक बाबा की टीम थी, तो सभी हमको सूचना दी, 112 पे हमने कॉल कर दी थी, तभी हमें ये गाड़ी आती दिखाई दी। हमने इसको रोकने का इशारा किया तो इसने सीधा फायर कर दिया, फिर इसका टायर फोड़ दिया काटे मारकर। जैसे ही फिर ये गाय फेंकने लग गया, सारी गायों को अपनी गाड़ियों के आगे फेंक दिया। गाय फेंकने के बावजूद ये यहाँ पे बड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया है और भागते हुए गौ तस्कर 2-3 तो पुल के नीचे कूद गए, उनको जब चोट आई है, और एक गाड़ी से नीचे उतरने लगा, एक कैंटर आ रही थी, जब उसको एक चोट आई है उसका हाथ उठ गया।
जब इन गौ तस्करों को 22 किलोमीटर तक का पीछा करने के बाद पकड़ा गया तो इनकी गाड़ी से अवैध तमंचा और गोलियां भी बरामद हुई हैं। जब गौ रक्षक इन गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे तो सारी गाय नीचे फेंकने के बाद ये गौ तस्कर हाथ जोड़ते हुए भी नजर आए, लेकिन आखिर में जब ये पकड़े गए तो पुलिस थाने से एक टीम पहुंची और अवैध तमंचे और 5 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। 29 से उन्होंने उठानी शुरू की थी, तकरीबन 6-7 गाय टाटा 407 में डाल के और वो लेके जा रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। उस पर बीटी करवाई गई, नाकाबंदी करवाई गई। वो जो है भौंडसी की तरफ गए, SHO भौंडसी ने नाका लगाया हुआ था, उस गाड़ी को वहाँ रोका जिसमें 5 व्यक्ति सवार थे और गाय रास्ते में वो नीचे गिराते जा रहे थे, क्योंकि उनके पीछे दूसरी भी PCR और गाड़ियाँ लगी हुई थी। उन गायों का जो है इलाज करवाने के लिए वेटरनरी डॉक्टर के पास भेजा गया और जो 5 उस टाटा 407 में सवार थे, गाड़ी बैरियर पर रुकने के बाद जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो 2 ने ऊपर से छलांग लगाई, जिनको कुछ माइनर चोटें आई थी, उनको हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया है। कुल 5 व्यक्ति इसमें जो है कस्टडी में है, 2 हॉस्पिटल कस्टडी में और 3 जो है पुलिस कस्टडी में है। इनसे एक देसी कंट्री मेड पिस्तौल, 5 खोखे और 1 लाइव जिंदा कारतूस बरामद हुआ। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब गुरुग्राम में गौ तस्करों ने इस तरह का आतंक फैलाया हो। इससे पहले भी कई बार गौ तस्करों ने गौ रक्षकों पर हमला किया है और इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है। हरियाणा सरकार ने गौ तस्करी के खिलाफ सख्त कानून बनाया है, गौ सेवा आयोग बनाया हुआ है, फिर भी इस तरह के अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।